वो गिरेगी ना नीचे। हूँ आपके साथ राही कपूर और इस समय हम कृष्णा घाटी के इलाके में हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है यहाँ पर, कितनी वन संपत्ति यानी जो कितना बड़ा लॉस हुआ है। ये पूरी आग के मतलब कि आग यहाँ पर लगी हुई थी और कहीं ना कहीं ये आग कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर ये आग लगाने का इसके पीछे कौन लोग हैं। ये प्रशासन को भी इसमें कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और जो संबंधी विभाग है जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस पर कड़ा संज्ञान ले कि ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है फॉरेस्ट को नुकसान हुआ है और ये तमाम ये पूरा तस्वीरों में आप एरिया देखेगा ये सब जलकर जो है वो राख हो चुका है। और यहाँ पर कई इस फॉरेस्ट के एरिया में आपको ये भी बता दें कि काफ़ी जो बेजुबान जानवर हैं वो भी मारे गए हैं और ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर जो लोग फॉरेस्ट में आग लगाते हैं, जंगलों में आग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमने ये भी पता किया था, ये सूचना भी मिली थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसमें संज्ञान लेते हुए कुछ लोगों के खिलाफ FIRs की हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा कि प्रतिवर्ष हर साल जो है आप लाखों रुपए का जो है वो वन संपत्ति को नुकसान पहुंचता है जो सिर्फ इस आग के कारण जो है वो आग लगाई जाती है। ये तस्वीरों में आपने देखा और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है वो जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मैं राही कपूर, मेंढर, कृष्णा घाटी।